देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के रियासती खबरों के बुलेटिन आईने दक्कन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लतुस्वन्ना सुफूफकुम औ लयख्लिफन्नल्लाहु बैना वुजूहिकुम। मुस्लिम शरीफ। नमाज में अपनी सफ़ों को सीधी करो वरना अल्लाह ताला तुम्हारे कुलूब में इख्तलाफ डाल देगा। तफसीली खबरों से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। हालिया बारिश की तबाहकारियों से रियासत में 5,000 करोड़ का नुकसान। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने वजीर आजम को लिखा खत, मदद करने की है अपील। रियासती वजीर केटीआर और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का दूसरे दिन भी शहर के मुतासरा इलाकों का हुआ है दौरा। और टीआरएस अराकीन असेंबली को आवाम की बरहमी का करना पड़ा सामना। हल्का असेंबली उपल और इब्राहिम पट्टनम में पेश आए वाकया। रुख करते हैं तफसीली और अहम खबरों की जानिब। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक खत लिखकर पिछले 3 दिन से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से शहर हैदराबाद और इलाके तेलंगाना में हुए नुकसानात के मुतालिक आगाह किया है। चीफ मिनिस्टर ने खत में बताया कि रियासत में बारिश की तबाहकारियों की वजह से 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ है जिसमें खड़ी फसलों की तबाही भी शामिल है और कहा कि फौरी राहत के तौर पर 1,375 करोड़ फौरी जारी करने की इन्होंने वजीर आजम से दरख्वास्त की। शहर हैदराबाद के हल्का असम्बली कारवान के इलाके नदीम कॉलोनी टोली चौकी और निर्जा कॉलोनी में ज़ेरियाब इलाकों का आज रियासती वजीर बल्दी नस्मोनस के तारक रामानाव ने मकामी MP असदुद्दीन ओवैसी और मकामी MLA कौसर मोहियुद्दीन के हमरा दौरा किया है। इस मौके पर इन्होंने राहत के कामों का जायज़ा लिया और आवाम से मुलाकात करते हुए इनकी हिम्मत बंधाई है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में हुकूमत आवाम के साथ है और इन मुश्किल हालात से महफूज इन्हें निकाल लिया जाएगा। वजीर मौसफ ने इलाके में आवाम को हुए नुकसानात का भी तफसीली जायज़ा लिया और आइंदा इस तरह ना हो इसके लिए हल निकालने के लिए अहदेदारों को हिदायतें जारी की। अपने को क्या करी था वहाँ पे STP डाल दिया लोग। ड्रेन था, नाला था बड़ा, वो नाले को डायवर्ट करके 2 फीट का पाइप डाल दिए। यहाँ बाजू में पाइप डाल के छोड़ दिया। उनका STP है वहाँ पर ना जी। नहीं नहीं सर, पानी से बढ़ गया। मिला के पानी यहाँ तक था सर, कल यहाँ तक था मैडम। हम लोग यहाँ पर थोड़ा पानी छोड़ेंगे। अभी क्या है कि पूरा 7 गुमस अलकापुर का पानी पूरा क्यों ना पूरा वहाँ जमाली कुंटा से देखें यहाँ तक जो भाई, दुकान आगा भाई, आगा भाई, आगा आगा, आराम से आराम। Yeah, for sure.
सर भाई हाँ सर भाई निर्जा गर्नी से आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे। हेलो सर रियासती वजीर बराए फाइनेंस टी हरीश राव ने आज महामी एमएलए क्रांति के साथ सिंगुर जखीरे आब का दौरा किया है। इस मौके पर इन्होंने पानी में उतरकर पूजा की। बाजा सिंगुर मौजू में 6 इस्तेफादा कुनिंदगान में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम भी अमल में लाई है। कल शाम से गचीबोली इलाके में एनजीओस कॉलोनी और सेक्रेटेरिएट कॉलोनी के इलाकों में बड़ी आवाज़ के साथ जलजले के हल्के से झटके महसूस किए जा रहे हैं और इलाके की आवाम इस तरह के मुसलसल आ रहे झटकों से काफ़ी खौफजदा हो रही है। आज जीएचएमसी के अहदेदारों ने इन मकामात का मुआयना किया है और बताया कि आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन कबल बोराबंडे में भी इस तरह की आवाज़ें और झटके महसूस किए गए थे। इस मौके पर एनजीआरआई अहदेदारों ने बताया कि चूंकि ये एक पथरीला इलाका है, इसीलिए जब कभी भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उसकी वजह से इस इलाके में इस तरह के झटके और आवाज़ें सुनी जाती हैं। और इन्होंने कहा कि महकमे की जानिब से रिएक्टर स्केल पर इस पर नोट किया जा रहा है, लेकिन ये एक मामूली जलजला है, आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन अहदेदारों ने यह भी बताया कि महकमे की जानिब से यहाँ पैमाइश के लिए आलात लगाए जा रहे हैं और इस पर कड़ी नज़र भी रखी जाएगी। नामपली के इलाके में एक एयर कंप्रेसर के फट पड़ने से 4 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें नामपली अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बताया जा रहा है कि एक पंक्चर की दुकान का एयर कंप्रेसर फट पड़ने से एक बड़े धमाके की आवाज़ आई और पंक्चर वाला और दीकर 3 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए। पुलिस हबीब नाला ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर जख्मियों को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया है। इसी असना में रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने भी मकाम वाक़े पर पहुंचकर तमाम हालात का जायज़ा लिया है और ज़ख्मियों के बेहतर इलाज के लिए उस्मानिया के डॉक्टर्स को फ़ोन पर हिदायतें दी है। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन और अकबर की ये रिपोर्ट। डैडी को मारा लगा, दवा को नाना जी को पांव फट गए, भाई को मारा लगा हूँ, मुझको एक बच्चे था पंचर वाले उनको भी मारा लग गए। यहाँ पंचर गए, हवा के मशीन फूट गए, हवा से हवा ब्लास्ट हो गए साहब। तो उससे 4 जने, एक के नाम है अंकित कुमार, एक के नाम मनोरंजन सिंह, एक के नाम सागर सिंह, यासिन नाम है बच्चे के नाम यासिन। हाँ साहब 4 जने हैं। ये हवा चालू करके बच्चे चले गए थे नाश्ता करने होटल में, वो मशीन का वायर लगा के उसमें क्या हुआ, हवा फुल हो गए, फूट गए, ब्लास्ट हो गए। एक जने नाश्ता कर रहे थे नाना जी, उनको भी उस पर से उड़ के मार लगा उनके पाँव में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 79वीं यौमे पैदाइश के मौके पर मकामी रियासती वजीर डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़ और रुकने पार्लियामान श्रीनिवास रेड्डी ने न्यू टाउन चौराहे पर भारत रत्न अब्दुल कलाम के मुजस्मे पर फूलमाला चढ़ाकर इन्हें खराज अकीदत पेश किया है। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने अपनी मुखातिबत में कहा कि APJ अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के एक अजीम इंसान थे, जिन्होंने अपने आप को मुल्क के लिए वक्फ किया और हिंदुस्तान को दीगर ममालिक से आगे पहुँचाने के लिए कलीदी किरदार अदा किया है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि APJ अब्दुल कलाम ने नौजवानों में शऊर उजागर करने का काम भी अंजाम दिया है। इस मौके पर TRS पार्टी के कायदीन और कारकुन ने शिरकत की है। अब्दुल कलाम गारी जयंती सदर्भंग वारी घनमें निवा अर्त भारत देश प्रतिष्ठन मनगड़ दीसकोड़ा की ना देश तक ना भारत देश अन्नी रंग मुद ఒక సెక్యులర్ గవర్నమెంట్ మాది, ఈ భారతదేశంలో అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం ఇది, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని మతాలకు
అన్ని వర్గాలకు రాజ్యాంగంలో అన్ని రకాల హక్కులు కల్పిస్తూ ప్రపంచంలోనే రెండవ జనాభాగల ఈ భారతదేశంలో మేమేం తక్కువలేమని చెప్పి అన్ని రంగాల్లో శాస్త్రవేత్తగా ముందుకొచ్చి తన జీవితాన్ని మొత్తం కూడా దేశానికి అంకితం చేసి వచ్చిన ప్రతి రూపాయి కూడా పేద వర్గాలకు అందేటట్లు ఒక సాధారణ జీవితం గడిపి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉండి కూడా ఆ తర్వాత ఆయనకు వచ్చినటువంటి ప్రయోజనాలన్నీ కూడా పేద వర్గాలకు చెందేటట్టు చేసి దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచిన గొప్ప బిడ్డ మన అబ్దుల్ కలాం గారు ఆయన మాదిరిగా ప్రతి ఒక్క పౌరుడు ఆలోచన చేస్తే ఈ దేశం ఇంకా చాలా బాగుపడుతుంది చైనా దేశం ముందుకు పోతా ఉంది అన్ని రంగాలంటే ఇలా చైనా కన్నా జనాభాలో ఒక 5 ఏళ్ల తర్వాత మన దేశమే ఫస్ట్ ఉంటుంది మరి అంత జనాభా ప్రపంచంలోనే నెంబర్ 1 జనాభా ఉన్నటువంటి మన దేశం త్వరలోనే అన్ని రంగాల్లో రాణివాలంటే దేశం గురించి అబ్దుల్ కలాం గారి ఆదర్శంగా తీసుకొని అందరం కష్టపడి పని చేసినప్పుడు మన దేశం కూడా బాగుపడుతుంది దేశ ప్రతిష్ట కూడా ముందుకు వెళ్తది కనుక స్వాతంత్రం వచ్చి ఇన్ని సంవత్సరాలైనా ఇంకా అనేక రంగాలు వెనుకబడిపోయినాం ప్రతి ఒక్క పౌరుడు ప్రతి ఇంటికి ఒక పౌరుడు దేశం గురించి ఆలోచన చేసి రాష్ట్రం గురించి ఆలోచన చేసి పేద ప్రజల గురించి ఆలోచన చేసి ముందుకు పోయినట్లయితే మనం అన్ని రంగాల్లో కూడా మనం ముందుకు పోగలుగుతామని చెప్పి रॉयल कॉलोनी बाबानगर के इलाके में बारिश से मुतासरा इलाके की आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आवाम ने सिटी इंडिया न्यूज़ के कैमरे के रूबरू अपने दुख का इजहार किया है। आवाम का कहना है कि इनका इलाका पानी से महसूर है और पानी की निकासी के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है और ना ही कोई ओहदेदार या सियासी कायद इनका हाल जानने के लिए वहाँ पहुँचा है। इनका कहना था कि तहसीलदार से रब्त करने पर तहसीलदार का कहना है कि वह इस मामले में कुछ भी करने से खासिर है। इस तरह इन लोगों को बेयार व मददगार छोड़ दिया गया है। इनके मुताबिक यहाँ खाने और पीने के लिए पानी भी दस्तियाब नहीं है। ये मारो क्या बोलता, मेरा जिम्मे नहीं है बोलता बोले। मैं बोला ना तुम्हारा ना तुम सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है, ना मंडल का तुम बॉस है, हेड बॉस है, तुम ऐसा कैसा बोलो। कम से कम 3 दिन से लोग यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे औरतों पर परेशान है, कोई आता नहीं देखता नहीं, कम से कम पीने का पानी तक गत नहीं है, वहाँ पे स्लाब के ऊपर तक पानी है। और उन्हें क्या बोलता, मैं मेरी जिम्मेदार नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता बोला। अब बोलना तो किसको बोला फिर, या अकबर उन्होंने आए, उन्होंने आए, इन्होंने आए, करना तो क्या करना है। इतने लोग आप भी देख रहे हैं, देखो कैसा पानी कितना है, जाने के लिए रास्ता नहीं है कुछ भी, और सुबह से खाना पहुंचाने के लिए तो ऊपर है, फिर भी लोग डुबते डुबते जाके घरों को खाना पहुंचा लिए। अभी सफा बैतुल वाले लीडर आने लेके चलने कश्ती के ऑफिसर आने, कोई भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं तो क्या करेंगे। हाँ करना, बोलना तो किनको बोलना, कोई रिस्पांस ऑफिसर भी नहीं है। कलेक्टर को बोले तो कलेक्टर चुपा बैठा है, ना आसो दिन अकबरुद्दीन कल आया उधर का उधर देख के भाग गया। म्युनिसिपल कमिश्नर को फोन करना, सुचाप सुबह अभी नंबर लेके कॉल करो, सुचाप फोन भी नहीं आ रहा, सुचाप करके रख दिया उन्होंने। ये मारो हाथा उठाया बस, मेरे कोई जिम्मेदार नहीं। अभी ऑफिसर का 1-1 लाख रुपए तनखा ले रहे तेलुगु से, कम से कम इंसानियत के तौर पर एक बार बोले तो। तेलंगाना हुकूमत से हमारी दरखास्त है, जल्द से जल्द ये पानी निकालने की कोशिश करे बस। वो काम ये हमारी बीएफपी फिकर करे उसका, तुम कर दो, तुम खोल दिए तो वो जाता, तुम खोल रहे नहीं इन लोग। रात के 7 बजे तक है कि वहाँ पे ये करे, बाद में क्या करे बताओ। जैसे भी पूरे लोगों को हटा दिया वहाँ पे, हटा दे के पूरा वो खट्टा नहीं तोड़ते कहते, तुम नहीं खोलते कहते, तो पूरे ये लोग पूरे मर जाना क्या। ये हुकूमत क्या करे, कोई म्युनिसिपल मिनिस्टर नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई कम से कम KTR बोलता कहते, लेट टेक इट इजी बोल के बोलता कहते, ये तरीका रहता क्या भाई। बोला इनका RDO का काम लेट करो, तो कलेक्टर काम करो, कुछ ना कुछ बता बोलता, तुम वहाँ पर लीएच का रह रिच का बोलता हूँ नहीं। हमारा कौन रहा बोले, तो हम बोले कि जाकर वहाँ पर तालाब का जमीन लेकर बन लोगों कहीं पर डूब जाओ बोल के बोलता हूँ, ये तरीका है क्या। MLA साहब से भी दरखास्त देंगे, वो आए यहाँ पे कॉलोनी को, हमारे आके कम से कम थोड़ा तो हमारी कॉलोनी को आए। MLA साहब से यही दरखास्त है भाई, खाली तुम जरा उठा दिए तो बस, तुम के गेट खोल दिए तो कि पानी पूरा निकल जाता। अब उनके जमीनों के वास्ते, जमीन खाली जमीन के वास्ते एक करते, इतने लोग फैमिली बच्चे कच्चे जमीन खराब होती बोल के तुम नहीं तोड़ रहे हो लोग। ऑलरेडी कोई रास्ता बना सकते थे पहले से, वहाँ पे इतना देके वहाँ हटा सकते थे, तीन को नहीं हटा रहे, एक तुम भी नहीं खोल रहे हो लोग। पहलवान गांव के लोग आए यहाँ पे खोल के, तुम खोल देखे नाली मेरे जमीन पे निकाल दो बोल के।
नासरीन बुलेटिन में वक्त चला है मुख्तसर से ब्रेक का। क्या आप अपने कारोबार, तिजारती इदारे, स्कूलों, कॉलेज की बेहतर तशहीर या एडवर्टाइजमेंट चाहते हैं? तो हमारे वाहिद रियासती उर्दू और तेलुगु टीवी चैनल सिटी इंडिया न्यूज़ पर इश्तिहार दें। हमारे चैनल के प्रोग्राम हैदराबाद के दोनों शहरों में केबल नेटवर्क्स आईजे नेटवर्क को चॉइस नेटवर्क के चैनल नंबर 33 और 50 पर और महबूब नगर और रियासत के दूसरे अजला में सिटी डिजिटल के सेटटॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 पर टीवी पर देखे जा सकते हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और हमारे मोबाइल ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ ऐप और हमारे वेबसाइट पर सारी दुनिया में हमारे प्रोग्राम देखे जाते हैं। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर नज़र आ रहे हमारे फ़ोन नंबर पर रब्त करें और फौरन अपना इश्तिहार बुक करवा लें। Cosmic Break Zone CBZ 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 Number One है CBZ Cosmic Break Zone, जो शहर महबूब नगर की मशहूर व मारूफ बेकरी है, जो जायके के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों को सुरूर पहुंचाने वाले माहौल के साथ बड़ों के जायके का भी खास ख्याल रखती है। हमारी खसूसियत यह है कि जुबान पर रखते ही घुल जाने वाले केक, कार्टून नुमा केक, स्पेशल केक, एगलेस केक यहाँ पर दस्तियाब हैं। इतना ही नहीं बल्कि जायका से भरपूर पिज्जा, बर्गर और कई इकसाम के आइसक्रीम और खास बिस्किट और कई हमा इकसाम की बेकरी आइटम और शीरमाल मीठे की रोटी, असली घी और मेवा जात से भरपूर ड्राई फ्रूट के रोट वाजबी दाम पर यहाँ दस्तियाब है। आप अपने घरों की शादियों और दीगर तकरीबात के लिए भी स्विगी के जरिए अपना आर्डर बुक करवा सकते हैं। फिर देर क्यों, तशरीफ लाइए। कॉस्मिक बेक जोन, जो रियासत तेलंगाना की जानिब से नंबर वन बेकरी अवार्ड का खिताब ले चुका है। हमारा पता है कॉस्मिक बेक जोन, नस्त HDFC बैंक, गोरमिट हॉस्पिटल रोड, महबूब नगर। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। शदीद बारिश के सबब तेलंगाना के जनगांव में कदीम किले की दीवार गिर पड़ी है। यह तारीखी किला 17वीं सदी में तामीर करदा सरदार सरवई पापन्ना किले के नाम से मशहूर है। सराय के मुताबिक इस वाक़े में 4 मकानात को नुकसान पहुंचा है, ताहम किसी की मौत या फिर किसी के जख्मी होने की कोई इतला नहीं है। इतलात के मुताबिक लोगों ने इस खतरे को महसूस करते हुए अपने मकानात पहले ही खाली कर दिए थे। इस किले की दीवार गिरने के मंजर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ग्रुप्स में वायरल हो रही है। चंद दिन कबल ही तेलंगाना हुकूमत ने इस किले को खूबसूरत बनाने के लिए 4,50,000 रुपये की रकम मंजूर की थी, ताहम खूबसूरत बनाने के काम हनूस शुरू नहीं किए गए। MLA उपल सुभाष रेड्डी को आज एक तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा है। जब वो कश्ती के जरिए उपल के ज़रियाब इलाकों का दौरा कर रहे तो एक मकान की दूसरी मंजिल पर मौजूद खवातीन ने इनकी हालत इजार को देखने के लिए कोई ना आने की शिकायत करते हुए MLA से उलझ पड़ी और कहा कि दो दिन से वो भूखे प्यासे हैं और इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। उन्होंने हुकूमत की इस तरह की लापरवाही के खिलाफ MLA की सरजनिश की है, जिस पर MLA सुदर्शन रेड्डी ने इन खवातीन को समझाने के बजाय इनसे ही उलझ पड़े। ये मनासर सोशल मीडिया पर जबरदस्त गश्त कर रहे हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। ఎవరు నటమన్నారు ఎవరు నటమన్నారు ఎవరు ఇచ్చిన పర్మిషన్
అంటే వినండి, रुकन असेंबली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने आज अपने हलके के गंगानगर और मदीना नगर इलाकों का मकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद वाजिद के साथ तफसीली दौरा किया और मुतासर आवाम से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल से आगही हासिल की है। इस मौके पर इनके हमरा बल्दी अहदेदार भी वहां मौजूद थे। अहमद पाशा कादरी ने अहदेदारों से कहा कि आवाम की जंग खतूत पर इमदाद रसानी की जाए और पानी की निकासी के लिए भी इकदाम की है। पेश है हमारे नुमाइंदे अकबर खां की ये खास रिपोर्ट। बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार में आज दौरा किया गया। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर एरिया कॉरपोरेटर वाजिद अली खान साहब और मैं इब्तदाई के लोग मुकामी लोग पहले गंगानगर का दौरा किए। वहाँ पर वहाँ के नौजवान इंतहाई जज्बे में काम करते हुए वहाँ पर रास्ते से कीचड़ की सफाई कर रहे थे। बाद में कुछ बल्दिया के लेबर को भी वहाँ रवाना किया गया और एक गाड़ी भी रवाना की गई। वहाँ से अशरफ नगर उसके अतराफ वकनाफ के इलाकों में आके यहाँ पे हर घर में जाके कितनी तबाही हुई, कितना नुकसान हुआ उसका जायज़ा लिया गया। तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगा यहाँ पर, अभी थोड़ा बाकी है। दूसरे इलाकों से भी टेलीफोन आ रहे, बुला रहे, ये हमारे आयशा मस्जिद के पास रहमत नगर में दीगर इलाकों में अभी जाना है, लेकिन आवाम के दरमियान रह के काम कर रही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आज जो भी है ये एक कुदरती आफाती बारिश थी जो जिसके बस की, हमारे इंसान की बस की बात नहीं थी। अचानक ऐसी मूसलाधार बारिश हुई, एक बहुत बड़े पैमाने पे तबाही मची पूरे हैदराबाद में, तेलंगाना में, हर जगह तबाही मची इसमें। अब लोग हर घर के अंदर बुला के उनका नुकसान बता रहे हैं। मुझे अंदाज़ा है कितका कितना नुकसान हुआ है जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। पहली वक्त पुराने शहर के इस इलाके में इतनी बड़ी तबाही पहले वक्त हुई, उसकी वजह है कि 70-80 साल के बाद ऐसी बारिश हुई। बहरहाल बारिश अपनी जगह है, तबाही अपनी जगह है, मुकद्दरात में जो है वो तो होते रहेगा, लेकिन हमारा काम यह है कि ये आफत आसमानी सुल्तानी बोल के बैठना नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम के दरमियान रखे। अब यह अंदाज़ा कीजिए घरों में हम फिर रहे हैं, यहाँ लोग काफ़ी बरहम है, गुस्से में है, किस पर निकालेंगे गुस्सा? और अल्लाह की बारिश है, अल्लाह की बारिश पे तो कोई नहीं बोलेंगे, नऊज़ु बिल्लाह। हम कुछ बोलते और हम सुनते, क्योंकि हमारे को वोट दे के मुंतखब करें, उनको हक़ बोलने का, हमको सुनने का हक़ है, लेकिन हम ऐसा पीठ फेर के चले आ नहीं। परसों रात के 4:30 बजे तक यहाँ बैठे थे हम, कल दिन तमाम इधर थे, दूसरे इलाकों में भी फिरे, आज भी है। इंशाल्लाह ये लोगों की तकालीफ़ को दूर करेंगे, ऐसी दूर करेंगे अल्लाह उसमें कामयाबी दे कि ज़िंदगी तमाम ऐसी मुसीबत उनके पास ना आए, ऐसा काम करेंगे। असद साहब की हिदायत है कि पूरे इब्तदाई के वर्कर काउंसलर सब मिलके आवाम से राबते में रहे, जो भी तकलीफ़ है जितना हो सका उनको, उनकी तकलीफ से उनको छोटा है। अब हम पाकिटा खाने के तकसीम कर रहे हैं, अनाज के पाकिटा तकसीम कर रहे हैं, लेकिन हम इसका इजहार कल भी नहीं करे, परसों भी नहीं करे, आज भी नहीं करना चाहते। वकाराबाद ज़िले के परगी हलका असम्बली में शदीद बारिश की वजह से फसलों को हुए नुकसानात का मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन बशमूल सदर ज़िले कांग्रेस मोहन रेड्डी और सदर ज़िले बीजेपी सदानंद रेड्डी ने अलग अलग मकामात का दौरा करते हुए मुशाहदा किया है। इस मौके पर दोनों कायदीन ने हुकूमत से अपील की कि इन तबाहाल किसानों की फौरी मदद की जाए और इन्हें राहत पहुँचाने का काम किया जाए। पेश है हमारे नुमाइंदे परगी से विष्णु रेड्डी की ये रिपोर्ट। ठीक है ना।
పరిగి నియోజకవర్గంలో జాఫర్పల్లి గ్రామంలో పేద రైతులు ప్రభుత్వం చెప్పినటువంటి నియంత్రణ వ్యవసాయానికి కట్టుబడి ఈరోజు పత్తి పంట వేయడం జరిగింది. చాలా బాధాకరంగా ఉంది. రైతులంతా కూడా కంటతడి పెట్టుకొని 20,000 రూపాయలు ఒక్కొక్క ఎకరానికి రుణాలు తీసుకొని అప్పులు తీసుకొని బంగారం కూడా తాకట్టు పెట్టి ఈరోజు వ్యాపారం చేస్తున్నటువంటి సందర్భం లోపల దిక్కుతోచని స్థితి లోపల ఈ రైతాంగం అంతా కూడా ఈరోజు ఉన్నారు. ఈ వర్షాలు అకాల వర్షాలు రావడం ప్రభుత్వం దానికి సరైనటువంటి నష్టపరిహారం ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే రైతులు పెట్టుబడే 20-30 వేలు పెట్టిండు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఇది పంట వచ్చే పరిస్థితి లేదు. మొత్తం పత్తి కూడా అంతా ఖరాబ్ అయిపోయింది. ఇది పనికిరాదు. అన్నీ కూడా నల్లగా అయిపోయినాయి. కాయలన్నీ కూడా అన్ని పంటలు కూడా ఈ యొక్క పత్తి అనే కాదు అసలు ప్రతి పంట కూడా వికారాబాద్ నియోజకవర్గం జిల్లా లోపల అంతా కూడా నష్టం జరిగింది. కాబట్టి వెంటనే ప్రభుత్వం నేను వ్యవసాయ అధికారులతో గోపాల్ జేడీతో ఒక 10 రోజుల కింద మాట్లాడితే ఏమనంటే 30% పంట యావరేజ్గా నష్టమైందని చెప్పి మేము నివేదికలు ప్రభుత్వానికి పంపించామన్నాడు. కానీ ఇక్కడ పరిస్థితి చూస్తే 30% కాదు 70-80% పంటలు ఖరాబ్ అయిపోయినాయని ఎక్కడికెళ్ళా సరే అదే వాతావరణం కనబడుతుంది. ఇప్పుడు నేను వస్తుంటే సయ్యద్ మల్కాపూర్ దగ్గర చూసినా అసలు మొత్తం చేను నిండా నీళ్ళే ఉన్నాయి. మళ్ళీ అట్లాంటి పరిస్థితుల లోపల పంట మొత్తం మురిగిపోయే ప్రమాదం ఉన్నది. తప్ప ఏమాత్రం కూడా చెట్లు పైకొచ్చే విధంగా కనబడతలేవు. కాబట్టి గతం లోపల కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ అని చెప్పి అకాల వర్షాలు వచ్చినప్పుడు రైతుల ఖాతా లోపల వ్యవసాయ అధికారులు డైరెక్ట్గా వ్యవసాయ క్షేత్రానికి వచ్చి పరిశీలించి వాళ్ళ ఖాతా లోపల ఇన్పుట్ సబ్సిడీ వేసేవాళ్ళు. కాబట్టి వెంటనే ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం, మీరు ఈ పేద రైతాంగాన్ని ఆదుకోవడానికి. రైతు ఆత్మహత్యలు మా ప్రాంతం లోపల చాలా జరిగినాయి. ఈ రైతు ఆత్మహత్యలు కూడా జరగకుండా ఉండాలంటే వెంటనే ఈ రైతులందరినీ ఆదుకోవాలని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన మేము డిమాండ్. రైతులంతా పాపం చాలా చాలా బాధలు, ఎందుకంటే పెట్టుబడి పెట్టలేక వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచో సాహుకార దగ్గర నుంచి అప్పు తెచ్చుకొని బ్యాంకు లోన్ తీసుకొని ఇదంతా చేసినా వాళ్ళందరికీ కూడా కనీసం పెట్టుబడి కూడా రాకుండా మొత్తం నష్టపోయింది. కాబట్టి వాళ్ళకందరికీ భరోసా కల్పించి వాళ్ళకందరికీ కూడా ఈరంతా కూడా భరోసా కల్పించేటందుకు రైతులతో మాట్లాడి ఎక్కడెక్కడైతే మండలాలు కానీ टीआरएस एमएलए मंचिरेड्डी किशन रेड्डी को भी आज आवाम की बरहमी का सामना करना पड़ा है जब वो रंगारेड्डी जिले के मेडपल्ली मौसम में तालाब का मुआयना करने के लिए जा रहे थे. आवाम ने इनके काफिले पर चप्पल फेंककर मुखालिफ फार्मासिटी नारे बुलंद किए और इनसे इस्तीफा देने का मुतालबा किया. قبل اس کے سابق ایم ایل اے کودنڈا ریڈی اور مقامی سرپنج کو پولیس نے احتیاطی طور پر گرفتار کر لیا تھا لیکن اس کے باوجود ایم ایل اے کو عوام کی برہمی کا سامنا کرنا پڑا ہے. रंगारेड्डी जिले के प्ले तालाब का आज महकमे आबपाशी के सेक्रेटरी रजत कुमार ने कलेक्टर रंगारेड्डी उमय कुमार और कमिश्नर साइबराबाद वीसी संजनार के साथ दौरा किया और वहां तालाब के टूटे हुए कट्टे का मुआयना किया गया. बाद ऐसा सहाफियों से मुलाकात के दौरान इन्होंने कहा कि भारी मकदार में बारिश होने की वजह से ये तालाब का कट्टा टूट गया है लेकिन बहुत जल्द इसकी मरम्मत कर दी जाएगी. इन्होंने कहा कि राहत के काम अभी लगातार जारी हैं इसलिए जैसे ही हालात काबू में आ जाएंगे मरम्मत के काम का आगाज किया जाएगा. इन्होंने आवाम से भी अपील की है कि वह इस तालाब की तरफ न आए. भारी वर्षा वल्ल
కొంచెం ఇక్కడ సివియర్ బ్రీచెస్ జరిగినాయి. సో అదే రిపోర్ట్ వచ్చింది. ఇక్కడ మన వాళ్ళు అంటే రాత్రి నుండి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇప్పుడు వేర్ కూడా ఉంది, ఓపెన్ చేశారు, ఫ్లో పెరుగు అక్కడ నుండి రిలీజ్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు అయితే ఇమీడియట్గా సమస్య లేదు, కానీ మన బండ్ అయితే మొత్తం ఇరోడ్ అయిపోయింది, బ్రీచ్ అయింది. దానికి రిపేర్ కోసం ఇమీడియట్గా చర్య తీసుకోమని చెప్పాను. దాదాపు 5000 హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ కలెక్టర్ గారు ఆల్రెడీ ఏర్పాటు చేశారు, ఆల్రెడీ ఆన్ ద వే ఉన్నాయి. బై అనదర్ 12 అవర్స్ హ్యాండ్ బ్యాగింగ్ వర్క్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ బిఫోర్ ఈవినింగ్ టుడే. ఇవాళ కంప్లీట్ చేస్తాము. తర్వాత కాంట్రాక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు, నేను కూడా పర్సనల్గా మాట్లాడతాను, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ శాంక్షన్ కూడా ఇస్తున్నాము. ఇక్కడ ఈ వర్క్ పర్మనెంట్ షేప్లో చేయాలి. యాక్చువల్గా డౌన్ స్ట్రీమ్ కింద హెవీలీ పాపులేటెడ్ కాలనీస్ ఉన్నాయి. అక్కడ కొద్దిగా ఎన్క్రోచ్మెంట్స్ వలన, లేకపోతే సిటీ డెవలప్మెంట్ వలన, కొన్ని కొన్ని కారణాల వలన యాక్చువల్గా ఈ అవుట్లెట్స్ సన్నంగా అయిపోయినాయి. సో టు బ్రాడెన్ దాట్ అండ్ టు టేక్ కంప్లీట్ పర్మనెంట్ రిపేర్స్ ఇక్కడ పర్మిషన్ ఇచ్చాము. మనం టెక్నికల్గా మాట్లాడి యాజ్ పర్ PWD ప్రోటోకాల్. चंद्रनगुट्टा इलाहा आज भी पानी में महरूस है. आज भी NDRF की टीमों की जानिब से ज़ेरेआब इलाकों से आवाम को निकाला जा रहा है और ये काम मुसलसल जारी है. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन भी NDRF के शाना बशाना इन कामों में इनकी मदद करते दिखाई दिए. इलाके की आवाम अभी इस कहर के खौफ से बाहर नहीं निकल पाई है. अभी वो दहशत इनकी आँखों में देखी जा सकती है. आज पानी के बहाव में कमी देखी गई है, लेकिन पानी की सतह में कोई कमी नहीं आई. इलाके में बरखे मस्तूद की वजह से आवाम को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज भी इस मकाम का दौरा किया है और वहां राहत के कामों में मौजूद अमला और मजलिसी कारकुनों की हिम्मत अफजाई की है. हमारे नुमाइंदे जफर खान ने इस मौके पर मुतासरीन और राहत के कामों में मसरूफ लोगों से बातचीत. पेश है हमारे नुमाइंदे जफर खान और वाजिद की यह रिपोर्ट. इस वक्त मौजूद हूँ غازی ملت کالونی کے طرف. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر کل جو بارش کے پانی کی وجہ سے جو جس طرح سے بہاؤ جا رہا تھا, اب وہ حالات نہیں ہے, لیکن حالات سدھر چکے ہیں. لیکن یہاں پہ جو نالا ہے, جو پانی ہے جس طرح سے, وہ لگاتار جاری ہے اور پورے انتظامات کے ساتھ جہاں یہاں پانی کو بہنے کے لیے پورے انتظام کیا جا رہے ہیں. یہ عوام ہے جو وہاں پر, جو محلے کی لوگ ہیں, جو حالات کے جائزوں کو لینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر, یہ غازی ملت کالونی ہے. کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر آنا سوچ کے باہر تھا, آپ آ نہیں سکتے تھے. کافی پریشانی کے حالات تھے, بہت ہی مشکل حالات تھے یہاں پر. لیکن اب اس وقت لوگ تھوڑی سی راحت والی سانس لے رہے ہیں لوگ, لیکن ابھی بھی لوگوں کو ڈر و خوف ہے. اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک کٹا بنایا گیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ جو روڈ ہے اس کو پورا طرح سے اسے کھود کر کٹا بنا دیا جا رہا ہے, تاکہ پھر اگر بارش ہو تو ادھر یعنی بستی کی طرف پانی نہ جائے. اس طرح سے یہاں پر ایک جو بھی زمین دیکھیں آپ, کتنے بڑے بڑے گنیٹ نکل رہے ہیں, بڑے بڑے پتھر نکل رہے ہیں, ایک کٹے کی طرح بنا دیا جا رہا ہے, تاکہ ادھر اگر پھر اگر بارش ہو جائے یا پھر اس طرح کا پانی آئے تو آگے بستی میں پانی نہ جائے. اس طرح کے انتظامات فی الحال کیے جا رہے ہیں, اب یہاں دیکھ سکتے ہیں. اور اس وقت موجود ہے یہاں پر حیدرآباد MP AIMIM کے بیرسٹر اسد الدین اویس صاحب, لگاتار لوگوں کو انسٹرکشن دے رہے ہیں, لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ جو لوگ گھر میں ہیں وہ گھر میں ہی رہیں, اور یہاں پر جو لوگ آئے ہیں, اگر کوئی لوگ مدد کرنے کے لیے آئے ہیں تو آگے بڑھ کر آئیں. اور لوگ جو لوگ یہاں پہ کافی لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ہی آئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی بزی ہے وہ اندر, اسد صاحب بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پر. اور یہاں پر کھانے پینے کے جو بھی انتظامات ہو سکتے ہیں, جو لوگ اندر پھنسے ہوئے ہیں ان لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہے. NDRF کی ٹیم یہاں پر موجود ہے. لوگ اور یہاں کے محلے کے لوگ بھی اس میں لگاتار جڑے ہوئے ہیں. آدھا علاقہ تو خالی ہوگا بھائی, بہت لوگ تھے دو دن سے نکل گئے آدھے, ماشاء اللہ ابھی آدھے لوگ تو اندر اٹکے ہوئے. ابھی پانی بھی کم ہوگا, ان شاء اللہ پورے نکل جائیں گے. دو دن کے حالات سے اب آج کی حالات کیا ہے؟ آج ذرا صحیح ہے بھائی, آج دو دن سے تو بہت پبلک تو پریشان تھی. بچے بوڑھے بڑے لوگ کس طرح سے ہیں اندر؟ بہت مشکل سے تھے بھائی, بڑے لوگ بوڑھے لوگ سب جنے نکل گئے. آدھے لوگ تو نکل گئے, جو نیچے تھے گراؤنڈ فلور میں نکل گئے, جو اوپر ہے سب میں اوپر ایسے بیٹھے ہوئے لوگ سب. مرنے کی خبر کسی کی؟ کتنے لوگ آپ بول رہے بھائی؟ ایک گھر کے 7 جنے ہوئے بول کے بول رہے ہیں وہ ابھی تک. تو اور کچھ بڑے بوڑھے بچے لوگ؟ بہت جنوں کے تو طبیعتیں خراب ہو گئے, بوڑھے لوگوں کے تو لے کے چلے گئے ایمبولینس سمیت. تو لوگ کھانے پینے کے لیے آپ لوگ یہاں سے لے کر پہنچا رہا ہوں؟ نہیں, ان شاء اللہ
सब मिल रहा था खाने पीने की, तो टेंशन नहीं थी, सब लाके दे रहे थे, सबको दे रहे थे, घरों में किश्तियों में लेके जाके बुटियों में डाल के दे रहे थे। जैसे कि क्या है भिजा, मतलब क्या दे रहे थे, क्या पहुंचा रहे थे? तरकारी की बिरयानी, बघारा खाना, वो सब भिजा रहे थे, दाल राइस, सब फ्रूट, वो सब भिजा रहे थे। क्या लगता है आपको और कितना टाइम लगेगा? इंशाल्लाह आज शाम तक खाली हो जाएगा, शाम तक खाली हो जाएगा। मोहम्मद वाजिद खान। ये थे इसी इलाके के एक नौजवान, इनके साथ ना जाने और कितने नौजवान हैं जो जिन्होंने इनका साथ देने के लिए यहाँ उतरे हैं, और ये बता रहे हैं कि तकरीबन 75% यहाँ की जो आवाम है रिकवर हो चुकी है। आइए इस वक्त मैं मौजूद हूँ फलकनुमा ब्रिज के पास, और मेरे से मेरे जो बाएँ जानिब है वो अलजुबल कॉलोनी है, जो कि जो तीन दिन से लगातार मुश्किल में जो फंसे हैं उन लोगों को, यहाँ पर जो मुकामी लड़के हैं, जो नौजवान लड़के हैं, वो लोग दो दिन से यही काम में लगे हैं, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अंदर आप लोग कब से और क्या, कितनी वहाँ की क्या हालात है, कुछ बता सकते हैं आप? अंदर बहुत पानी है भाई, 10-12 फीट तक पानी है, लोग यहाँ परेशान है, पूरा चले गए खाली करके यहाँ से, और पानी आने वाला है बोले। जी। क्या लगता है आप लोग अब तक कितने लोगों को वापस यहाँ पे, मतलब हिफाजत से यहाँ पे लेकर आए हैं? अभी तो आधी बस्ती खाली हो गए, अभी थोड़े जने हैं पीछे के, बहुत पानी है, पूरे खाली हो गए, फर्स्ट फ्लोर पे जो है लोगों को निकाल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वाजिद खान है। मोहम्मद वाजिद खान, आइए, एक और साहब है वो भी लगातार इस काम में लगे हुए हैं, आप बताइए क्या हालत है वहाँ के? हालात तो देखिए बहुत बुरे हैं, 2-3 दिन से तो बहुत बुरे हैं, बस लोगों को खाने को खाना नहीं है, जो भी लोग आ रहे हैं उन लोग हेल्प कर रहे हैं, समझो रेगुलर हेल्प तो चल रही, अब जो है काम बढ़ रहा, पानी अब फिर न्यूज आते जा रही कि पानी बढ़ेगा, फिर पूरे निकालो बोले तो करीबन जो भी नाले के करीब जो भी थे उन लोगों को पूरों को निकाल दिया। अब तक नुकसान कुछ आपको ज्यादा नजर आया या फिर माली नुकसान तो है ही? ये करीब में हम लोग को तो 4-5 लाशें मिले जो है अभी तक, अभी 4-5 तो हमारी नजर को दिखे, और बहुत यहाँ पे जो कवर हुआ यहाँ पे बहुत हुआ बोलकर बोल रहे हैं। अब रेगुलर जो है चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहे हैं, टीम भी आई हुई है, वो टीम भी हेल्प की तरफ से कई लोगों को बाहर निकाले हुए हैं। नहीं बोल रहे, मेरा नाम इरफान है। आइए आप बताइए आप कब से ये काम में लगे हुए हैं और क्या हालात है अंदर के? ये हम काम देखो 2 दिन से लगे हुए है, पानी अंदर बहुत घुस गया, पीछे एक तालाब था घुसा के, तालाब टूटने से क्या हुआ कि पानी का बहाव ज्यादा हो गया, उसमें क्या पूरा घरों में पानी तकरीबन बहुत घुस गया, फर्स्ट फ्लोर तक आ गया पानी, अभी तकरीबन बहुत जने रुके हुए, इन्हों को भी निकालना है। क्या लगता है आपको कितने लोग, यानी कि एक अंदाजा जो है जो बचने वाले हैं और कितने लोग होंगे, क्योंकि बस्ती बहुत बड़ी है ये? बड़ी है बहुत, बोले तो अभी 70% तो निकाल दिए, अभी अब 30% है समझो, तकरीबन निकाल दिए अभी खुद जन, बहुत जने थोड़े सीरियस भी अपने, थोड़े बुजुर्ग भी है उनका नहीं आ सकते, वैसे भी लोग आए। तो जो नहीं, जो खाने पीने का जो है, जो लोग को आप लोग पहुंचा रहे हैं वहां तक? नहीं वो तो पहुंच रहा है टाइम पे, सबको पहुंच रहा, पूरा पूरी टीम जीती भी है, पूरे सब लेके जा रहे हैं, टाइम पे पहुंचा दे रहे। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मोहम्मद इरफान, तो ये थे ये इस मोहल्ले के नौजवान जो के लगातार इस काम में जुड़े हुए हैं, और वो चाहते हैं कि हम और काम करें और जो लोग फंसे हुए हैं उनको लेकर आएं। और एक शख्स है जो लगातार आप देख सकते हैं इनकी हालत, ये लोग ये बताइए थोड़ा सा, ये देखिए ये बस यही काम रेस्क्यू टीम में लगे हुए हैं लोग, ऑपरेशन में, आप बताइए क्या हालात है अंदर के? अस्सलाम वालेकुम, फिलहाल अलजुबल कॉलोनी फलकमा का एरिया में पूरा पानी आ चुका है, ऑलमोस्ट पूरा 70% तो चले गए अल्हम्दुलिल्लाह, ये DRF NDRF ऑलमोस्ट पूरे लोग अल्हम्दुलिल्लाह हेल्प कर रहे हैं। और जानी और माली नुकसान का क्या होगा, मतलब क्या हुआ होगा? ऑलरेडी 4-5 लोग तो डेड बॉडियाँ मिले, ऑलमोस्ट पूरे घरों में कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख तक पूरा लॉस हुआ है, पूरे फ्रिजा TV ऑलमोस्ट पूरा चले गया है। हुकूमत से और हमारे KCR साहब से और MIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन साहब से और सबसे गुजारिश है, आप आगे देखिए थोड़ा हेल्प करिए पब्लिक के लिए। जी हाँ बिल्कुल, लगातार सर साहब यहाँ पर पब्लिक के बीचों बीच हैं, आप देख सकते हैं कि वो लगातार यहाँ पर वो भी आवाम के साथ साथ नहीं सो रहे हैं, बराबर यहाँ पर आ गए आवाम के बीच में रहकर एक को पूछ कर क्या हालात है, इस तरह से वो आगे बढ़ चढ़ कर यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये अलजुबल कॉलोनी है, यहाँ पर अभी भी बहुत ही बुरे हालात है यहाँ पर, ये शायद सुधरने के लिए शायद हो सकता है और काफ़ी टाइम लगेगा। ये देख सकते हैं आप लोग अपनी तरह से जहाँ तक हो सकता है लोग, ये देख सकते हैं आप बैरल वगैरह लगा कर उसके ऊपर बम्बूस वगैरह लगा कर जो है ना एक कश्ती के नमूने के उसको लेकर आए हैं, बनाकर लेकर जा रहे हैं, ताकि जो अंदर लोग जो फंसे हैं उन लोगों को बाहर हिफाजत से लेकर आएँ, क्योंकि ये कॉलोनी बहुत बड़ी कॉलोनी है, ये अलजुबल कॉलोनी, और इसके सामने जो कॉलोनी आती है गाजी मिल्लत कॉलोनी, उसके सामने ही है ये कॉलोनी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर और कुछ जानवर भी आपको यहाँ दिख जाएंगे मरे हुए, आपको देख सकते हैं एक छोटे भैंस का बछड़ा है,
और वहाँ पे कुछ और जानवर भी है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पर ये जो है ना, ये जो पूरा कचरा एक साथ मार के यानी पानी में आने की वजह से क्या होगा अंदर, पता नहीं, हो सकता है शायद अंदर कुछ लाशें भी निकल कर आ सकती होंगे, क्योंकि हालात बहुत गंभीर है, बहुत परेशान हालात है यहाँ के। आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये देखिए कुछ लोग महलों के लोग हैं, जो यहाँ के नौजवान लोग हैं, जो यहाँ पर लोगों को बचाकर लेकर आने के लिए यहाँ पर लगातार पिछले दो दिन से लगे हुए हैं। कैमरामैन वाजिद के साथ मैं जफर खान, सिटी इंडिया टीवी के लिए। देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक की आवाज़। आज हैदराबाद की मूसा नदी में एक अजदहे को देखा गया है जो काफी बड़ा नजर आ रहा था। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि इसकी लंबाई कमोबेश 15 फीट है। वहां मौजूद अवाम ने इसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो गहरे पानी में तेजी से चला गया। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वाजिद की ये रिपोर्ट। अरे मैं पकड़ लेता हूँ, कुछ भी नहीं नासरीन। बुलेटिन के अख्तिताम से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। हालिया बारिश की तबाहकारियों से रियासत में 5,000 करोड़ का नुकसान। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने वजीर आजम को लिखा खत, मदद करने की है अपील। रियासती वजीर केटीआर और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का दूसरे दिन भी शहर के मुतासरा इलाकों का हुआ है दौरा। और टीआरएस अराकीन असेंबली को आवाम की बरहमी का करना पड़ा सामना। हल्का असेंबली उपल और इब्राहिम पट्टनम में पेश आए वाकया। रियासती खबरों के बुलेटिन आईने दक्कन की खबरों का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक की आवाज। दिन रोशन को इजाजत, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।